वो 50 बार फेल हुआ, लोग कहने लगे अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और 60वीं बार में बजा दिया डंका। घर से 100 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई की, इतनी परेशानी उठाई और आज बन गया एक बड़ा अधिकारी। पहले 10-10 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करता था तो सफलता नहीं मिली, फिर दिमाग चलाया और पलट दिया पूरा खेल। जो लोग पहले उसका मजाक बनाते थे आज उसे सर झुकाकर सलाम करते हैं, क्योंकि वह एक सरकारी अफसर बन गया। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक कहावत सटीक बैठती है राजस्थान के एक लड़के पर, जिसने अपनी बेकार किस्मत को कड़ी मेहनत से पछाड़कर काफी पीछे छोड़ दिया और दुनिया को बता दिया कि देखो मेहनत के आगे किस्मत भी अपने घुटने टेक देती है। आप अंदाजा लगाओ सफलता न मिलने पर कोई कितनी बार कोशिश करता होगा, एक बार, दो बार या फिर 10 बार। लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में कामयाबी के लिए जो प्रयास किए गए हैं वह कई लोगों के लिए सीख है। जो 50 से भी ज्यादा बार फेल हुआ लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। राजस्थान का एक लड़का ऐसा है जिसे 59 बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, लेकिन वह कभी भी पीछे नहीं हटा और बस कोशिश करता रहा। नतीजा यह निकला कि 60वीं बार में उसे सफलता मिल गई और वह अब तहसीलदार बन गया है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले रमेश राज पुरोहित की, जिनका सिलेक्शन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में होने के बाद राजस्थान तहसीलदार सेवा में हुआ है। रमेश के पिता हाल सिंह राज पुरोहित पेशे से सरकारी टीचर हैं, जबकि मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। रमेश की हाल ही में विनीता राज पुरोहित से शादी हुई है, जो उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट पोस्ट पर नौकरी कर रही हैं। नौकरी पाने के लिए रमेश ने न जाने कितने संघर्ष किए हैं। स्कूल की 9वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर से करीब 100 किलोमीटर दूर आकर रमेश ने हॉस्टल में रहकर 10वीं और 12वीं क्लास पास की। इसके बाद मैकेनिकल ब्रांच बीटेक कर लिया। रमेश बताते हैं कि उन्होंने अब तक करीब 59 बार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भर चुके हैं, यहाँ तक कि 2 बार UPSC का एग्जाम भी खूब पढ़कर दे चुके हैं, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं दिया। रमेश बताते हैं कि पहले एक साथ 10-10 परीक्षाओं की तैयारी करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया और केवल एक ही एग्जाम पर फोकस करना शुरू कर दिया। आज उनकी मेहनत का फल ऐसा मिला कि वह एक अधिकारी बन गए और लोग उन्हें सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ESK News।